अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त त्यागताबाद के इलाके में हूँ, ये एक घर में आया हूँ। ये खातून हैं और इनका एक बेटा है 17-18 साल का। वो थोड़ा बहुत काम करता है, कभी रंग का कभी कुछ, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना वो घर का खर्चा नहीं चलाता है। इनका एक और छोटा बेटा भी है, मेरे ख्याल में है। बड़ा बेटा है वो शादीशुदा है लेकिन माँ से अलग है। अच्छा, एक बड़ा बेटा शादीशुदा है, वो ऊपर रहता है, वो माँ से अलग है, वो भी इनको कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं, तरजीह नहीं देता। अच्छा वो ताल्लुक नहीं रखता ज़्यादा। और इनके शौहर जो हैं उनका इंतकाल हो चुका है, वो सुई गैस में काम करते थे, लेकिन उनकी भी परमानेंट जॉब नहीं थी तो पेंशन इनको नहीं मिलती। बस एक आसानी है कि घर अपना है तो किराए की टेंशन तो किराए की तलवार नहीं है अलहमदिल्ला इनके ऊपर, लेकिन माहाना राशन की इनको ज़रूरत है। ये घरों में काम करती रही हैं। आपने कितना अरसा घरों में काम किया है? काफी अरसे किया बेटा, मैंने एक अंदाजा बताएं। अंदाजा तकरीबन मैं इंतकाल के कॉलोनी पार्टी में जॉब पे लगी थी तो तकरीबन समझ लो 16-17 साल। अच्छा, आपके शोहर के इंतकाल को भी 16-17 साल हो चुके भाई, तो इतना अरसा आपने घरों में काम किया है लोगों के? एक तो घर में, बस एक घर में परमानेंट में कुकिंग करती थी। अच्छा, ये कुकिंग का काम जो है ना करती रही है लोगों के घरों में, एक जगह परमानेंट किया, बाकी जगह भी किया होगा पहला। तो लेकिन अब ये नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो है ना शुगर की वजह से ना आँखों की बिनाई चली गई है, और ये बहुत ही एक मजबूरी वाला केस है। कि वैसे तो माशाल्लाह हाथ पाँव सलामत हैं, लेकिन बस आँखों से नज़र नहीं आता, तो जाहिर बात है कि वो बिल्कुल मजबूर होकर बैठ गई हैं। तो एक तो इनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला इनको सेहत दे। ये शुगर तो आजकल हर दूसरे घर में है, लेकिन ये शुगर का इनका असर इनकी आंखों पे पड़ गया। तो बेटा जो है वो हेल्प करता है थोड़ा बहुत घर में खाना वाना बनाने में, तो अगर इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए माहाना राशन की शक्ल में तो इनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जो भी देख रहा हो, ये एक ऐसा डिज़र्विंग केस है जिसके पहले हालात अच्छे थे, अब अल्लाह ताला ने आजमाइश भेज दी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला का सब्र, वो सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कोई आपको केस नज़र आ जाए तो उसमें जो कुछ उनकी हेल्प हो सकती है वो करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने आपका एक केस बना दिया, वीडियो बना दिए, इसमें हमने आपका नाम भी नहीं लिया ना आपकी तस्वीर ली है। अब ये ऐसा है जैसा है वैसे चला जाएगा, और किसी का दिल चाहेगा तो वो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ मदद करेगा, हम फिर आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है, आपका आपका काम ये है, बस आप हमारे लिए दुआ करें। और दुआ करती जी, बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।